कि अरविंद केजरीवाल को सीवियर डायबिटीज है। मुझे कोई भी प्रशासन ये बता दे, कोई भी डॉक्टर ये बता दे कि 12 दिन में 4.5 किलो वजन कम होना कोई नॉर्मल चीज है। मैं भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहती हूँ कि पूरा देश आज उन्हें देख रहा है, आज देख रहा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने झूठे केस लगाकर अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया है, जहां आज उनके स्वास्थ्य को खतरा हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल को कुचलने के लिए, आम आदमी पार्टी को कुचलने के लिए किसी भी हद तक जा सकती। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी को ये चेतावनी दे रही हूँ कि आज पूरा देश आप पर नजर रख रहा है। अगर हिरासत में अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को कुछ हो जाता है तो ये देश आपको माफ नहीं करेगा। भारतीय जनता पार्टी अपनी अलग अलग एजेंसियों के माध्यम से छुपकर, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स नोटिस हो, चाहे अब डेफेमेशन के केस हो, इनके पीछे छुपकर आम आदमी पार्टी पे हमला कर रही है, राजनीतिक हमला कर रही है। अगर उन्हें हमारा सामना करना है तो चुनाव के मैदान में आके करें। क्यों वो अलग अलग एजेंसीज के माध्यम से, क्यों वो अलग अलग केसेस के माध्यम से आम आदमी पार्टी के पीछे छुपकर वार करने का काम कर रहे हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक सीवियर डायबिटीज के पेशेंट हैं। डायबिटीज के एक सीवियर पेशेंट होने के नाते दिन में कई बार उनका शुगर लेवल मॉनिटर होता है। जिस हिसाब से उनका शुगर लेवल बढ़ता है, गिरता है, उसी के अनुसार उनको दवाई लेनी होती है, इंसुलिन के इंजेक्शन लेने होते हैं, और उसी अनुसार उनका खान पान और डाइट होती है। डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है कि जब सीवियर होती है तो उसके साथ जुड़ी हुई बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। डायबिटीज का असर इंसान के हार्ट पे भी पड़ता है, किडनी पर भी पड़ता है, आंखों पर भी पड़ता है, पूरे नर्वस सिस्टम पर भी पड़ता है। सीवियर डायबिटीज का एक बहुत मेजर खतरा शुगर लेवल गिरने का होता है, जिसे हाइपोग्लाइसीमिया कहते हैं। अगर किसी सीवियर डायबिटिक पेशेंट का शुगर लेवल 50 के नीचे गिर जाए तो उनकी जान को भी खतरा हो जाता है। किसी भी डायबिटीज के पेशेंट का शुगर लेवल कभी 80 से नीचे आने नहीं दिया जाता। तो अरविंद केजरीवाल ऐसी सीवियर डायबिटीज के पेशेंट हैं, लेकिन इस डायबिटीज के बावजूद भी, इतनी बीमारी के बावजूद भी, आज तक अरविंद केजरीवाल जी ने अपनी डायबिटीज को, अपने स्वास्थ्य को, अपनी देश के सेवा में कभी अड़चन नहीं डालने दी है। चाहे अनशन पे बैठना हो, एक बारी वो सुंदर नगरी में अनशन पे बैठे, एक बार जंतर मंतर पे अनशन पे बैठे, वो दिन रात दिल्ली वालों के हित में सुबह से लेके रात तक काम करते हैं, देश के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं, अपने स्वास्थ्य को ध्यान ना रखते हुए भी अपनी वो देश की सेवा में कभी भी उन्होंने आज तक स्वास्थ्य को अड़चन नहीं बनने दिया है। लेकिन जब से अरविंद केजरीवाल जी को भारतीय जनता पार्टी शासित केंद्र सरकार ने गिरफ्तार किया है, उनके स्वास्थ्य पर एक जबरदस्त खतरा मंडरा रहा है। जब वो ईडी की कस्टडी में थे तो 3 बार उनका शुगर लेवल गिरा, 1 बार उनका शुगर लेवल 46 तक पहुंच गया, जो किसी भी व्यक्ति के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। अरविंद केजरीवाल जी का पिछले 12 दिन में 4.5 किलो वजन घट गया है। एक डायबिटीज का पेशेंट होते हुए इतने कम समय में इतना ज्यादा वजन घटना कई प्रकार की कॉम्प्लिकेशंस पैदा कर सकता है। आज
मैं भारतीय जनता पार्टी को ये कहना चाहती हूं कि पूरा देश आज उन्हें देख रहा है, आज देख रहा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने झूठे केस लगाकर अरविंद केजरीवाल को जेल में डाल दिया है, जहां आज उनके स्वास्थ्य को खतरा हो रहा है। किसी नॉर्मल व्यक्ति के लिए भी 12 दिन में 4.5 किलो वजन घटना कोई नॉर्मल बात नहीं है, किसी ऐसे व्यक्ति के लिए भी जिसे स्वास्थ्य की समस्याएं नहीं है, लेकिन एक सीवियर डायबिटीज के पेशेंट के लिए 12 दिन में 4.5 किलो वजन घटना एक बहुत खतरनाक चीज है। भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल को कुचलने के लिए, आम आदमी पार्टी को कुचलने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी को ये चेतावनी दे रही हूं कि आज पूरा देश आप पर नजर रख रहा है। अगर हिरासत में अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य को कुछ हो जाता है तो ये देश आपको माफ नहीं करेगा, यहां तक कि भगवान भी आपको माफ नहीं करेगा, क्योंकि आप इस हद तक गिरे हैं सिर्फ अरविंद केजरीवाल को कुचलने के लिए। देखिए, हम उनकी हेल्थ कंडीशन को बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं, क्योंकि उनकी चाहे जो शुगर लेवल में फ्लक्चुएशन हुआ है, चाहे 4.5 किलो वजन का घटना हो मात्र 12 दिन में, ये एक बहुत गंभीर बात है, ये एक बहुत सीरियस बात है। तो जैसी भी जरूरत होगी लीगल रेमेडीज की, बहुत जल्दी हम लेंगे। देखिए, तिहाड़ का प्रशासन भारतीय जनता पार्टी के आईएएस आईपीएस अफसर चलाते हैं। आज अरविंद केजरीवाल को झूठे केस में डालने की साजिश भारतीय जनता पार्टी ने करी है, ये जानते हुए करी है कि अरविंद केजरीवाल को सीवियर डायबिटीज है। ईडी ने क्यों मांगी जुडिशियल कस्टडी अरविंद केजरीवाल की? जब उनको गिरफ्तार किया था तो ईडी ने कहा था कि वह पूछताछ करने के लिए गिरफ्तार कर रहे हैं। उन्होंने कहा था कि वह समन्स पर नहीं आए इसलिए गिरफ्तार कर रहे हैं, लेकिन पूछताछ खत्म होने के बाद जुडिशियल कस्टडी मांगने का क्या कारण है? क्या एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर फ्लाइट रिस्क है कि वो भाग जाएंगे, कि वो गायब हो जाएंगे? बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये अरविंद केजरीवाल को कुचलने का एक तरीका है। मुझे कोई भी प्रशासन ये बता दे, कोई भी डॉक्टर ये बता दे कि 12 दिन में 4.5 किलो वजन कम होना कोई नॉर्मल चीज है। किसी व्यक्ति जिसको कोई बीमारी नहीं है उसके लिए भी नॉर्मल चीज नहीं है, लेकिन जिसको अक्यूट डायबिटीज है, सीवियर डायबिटीज है, उस व्यक्ति के लिए इसके बहुत सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। मैम, आप क्या कोर्ट का रुख करेंगे इस मामले को लेकर? हम बिल्कुल आज अपने वकीलों से बात करेंगे। आज हाई कोर्ट में वैसे भी अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी को चैलेंज करने की हमारी पिटीशन लगी हुई है। इस पिटीशन का क्या ऑर्डर आता है उसके बाद हम एक बार ये अपने सारे वकीलों से बातचीत करके अगले स्टेप्स लेंगे। हम तो कह ही रहे थे कि उनका तो मकसद ही यही है, किसी ना किसी केस से, किसी ना किसी झूठे आरोप से आम आदमी पार्टी के एक एक नेता को जेल में भेजना। उन्होंने तो खुद ही हमारे आरोप का जवाब दे दिया है कि उनका मकसद ही यही है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को किसी झूठे केस में फंसाकर जेल भेज देना। भारतीय जनता पार्टी
अपनी अलग अलग एजेंसियों के माध्यम से छुपकर, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स नोटिस हो, चाहे अब डेफेमेशन के केस हो, इनके पीछे छुपकर आम आदमी पार्टी पे हमला कर रही है, राजनीतिक हमला कर रही है। अगर उन्हें हमारा सामना करना है तो चुनाव के मैदान में आके करें। क्यों वो अलग अलग एजेंसीज के माध्यम से, क्यों वो अलग अलग केसेस के माध्यम से आम आदमी पार्टी के पीछे छुपकर वार करने का काम कर रहे हैं? वो कह रहे नाम उजागर नहीं कर रहे आप उस व्यक्ति का जिसने आपको ऑफर किया। देखिए, मैंने तो कहा ही है कि कोई मेरा ही बहुत करीबी व्यक्ति है, कि जिसको जिसने अप्रोच किया वो मेरे ही बहुत करीबी व्यक्तियों में से एक है। ये बात तो मैं कह ही चुकी हूं।